नहीं सुनाई दे रहा है तो और क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एक कहावत है। और मैं एक बात अपनी जिंदगी में हमेशा मानता हूँ, जो लोग वक्त को इज्जत नहीं देते, वक्त उनको भी इज्जत नहीं देता। सिंपल है, एग्जाम्पल है, बुरा मत मानना। आज जो लोग खड़े हैं वो वक्त के बाद में आए इसीलिए खड़े हैं, और जो लोग बैठे आए वो वक्त से पहले आए इसलिए बैठे। मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो रांची में है कि लातेहार में? रांची में, लेकिन एक्टिवा कहाँ से आ रहे हैं? तो हमारे लिए शर्म की बात है। सही है ना जी? अगली बार जब प्रोग्राम हो तो सबसे ज्यादा नाम जिस शहर के लोग हो, जिस शहर की मीटिंग हो, जिस शहर में फंक्शन हो, अगर उस शहर के लोगों का नाम नहीं आता, उस शहर का नाम नहीं आता, तो हमको शर्म आनी चाहिए। यस या नो? यस या नो? और जिस दिन ये शर्म, एक बात को हमेशा याद रखना फ्रेंड, एक बात को हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग वक्त के बाद में काम करते हैं। बहुत सारे, जब मेरे को पहली बार, जब आज से एक साल पहले जब लोगों ने पहली बार एलेक्स को डिजाइन किया था, जब एलेक्स के बारे में सोचा था, जब किसी को भी नहीं पता था, तो एक बार तो मैं ना कोई एलेक्स को जानता था, सिर्फ एक दो लोगों के बीच में बात की थी। और एक साल पहले जब कुछ भी नहीं था, इस कंपनी का नाम भी नहीं लिखा था, उस दिन ये भरोसा था कि एक दिन हम लोग ऐसा काम करेंगे, एक ऐसी कहानी करेंगे कि हम हिंदुस्तान की एमएलएम इंडस्ट्रीज का इतिहास नहीं बदलेंगे, हम एमएलएम इंडस्ट्रीज का भूगोल बदल देंगे। सभी बहुत सारे लोग मार्केट में बोलते हैं, बहुत सारे लोग अभी से एक महीने पहले मार्केट में बोलते थे, बहुत सारे लोग बोलते थे एलेक्स चलने वाला नहीं है, एलेक्स ये करने वाला नहीं है। हमने सिर्फ 4 महीने में आपको एक चीज दिखा दी, नोट करना। आज मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्लान बदलने पे मजबूर हो गई। आज बड़ी बड़ी कंपनियों ने दिवाली का बोनस दिया, अरे जो कभी चवन्नी नहीं देते थे उन्होंने 20-20 हजार रुपए बोनस में दिए। Yes! आज मार्केट में जाके एक ही बात कहना कि एलेक्स का किसी से कंपटीशन नहीं है, हमारे कंपटीशन में कोई नहीं है, हम किसी से कंपटीशन करने नहीं आए, हम तो हिंदुस्तान का भूगोल बदलने आए हैं। अरे जो कंपनियां तुम्हें 4 हजार नहीं देती थी, आज 40 हजार दे रही है, ये एलेक्स का कमाल है, ये एलेक्स की बात है। यस या नो? यस या नो? ये एलेक्स की पावर है। और एलेक्स कोई करे या ना करे, अगर आप एलेक्स कर रहे हो तो भी आप फायदे में रहोगे, और अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो भी एमएलएम इंडस्ट्रीज में आपके साथ आने वाले समय में चीटिंग कोई नहीं कर सकता, ये एलेक्स आपसे प्रॉमिस करता है। बात समझ में आ रही है? अभी बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, अभी सर्जी का पूरा प्लान दिखा रहे थे, और जब बहुत सारा पूरा प्लान हो गया, लाखों रुपए आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि इनकी तो किस्मत अच्छी थी, अपनी तो किस्मत थी, अपनी किस्मत ही खराब है, भगवान ने अपनी किस्मत में लिखा ही नहीं है तो अपने को मिलेगा क्या? यस या नो? एक बात याद रखना, मेरे को एक बात बताओ, भगवान किस्मत लिखता है क्या? नहीं। यस या नो? कैसे पता? कभी भगवान जी से मुलाकात हुई? भगवान जी को फोन लगा के पूछा? नहीं। अभी बहुत सारे लोग को समझने की कोशिश करना, बहुत सारे लोग बोलते हैं मार्केट में कि ये भगवान ने हमारी किस्मत खराब लिखी, भगवान ने हमारी किस्मत अच्छी लिखी, लेकिन आज एक बात को याद रखना, भगवान आपकी किस्मत में अच्छा लिखता है ना बुरा लिखता है, क्योंकि भगवान भगवान है, मुनीम नहीं है, और लिखा पढ़ी का काम करता है। देखो अभी यहाँ पर कितने लोग हैं जो पापा बन चुके हैं, थोड़ा हाथ उठाएंगे, इनको खुद पे भरोसा है। बहुत सारे लोग हम चले देखो,
देखो सर देगा, आपने नाम क्या है? कूपन देंगे तो देगा, चालू कर दिया। राजा जी मेरे को एक बात बताओ, देखो भगवान करे आप इलेक्शन में बहुत सारा आपके घर में पैसा आया, बहुत सारा माल कमाओ, मान लो मान लो सारा जिंदा रहे, आपने इलेक्ट किया, बहुत सारा करोड़ों अरबों रुपया कमाया, लेकिन एक दिन दुनिया से सबको जाना पड़ेगा। यस करो, कोई 500 साल बाद जाएगा, कोई 25 साल बाद जाएगा, कोई 100 साल बाद जाएगा, लेकिन एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। मान लो 500 साल का जब आपके पास अरबों खरबों का प्रॉपर्टी होगा, जब आप दुनिया से जाओगे तो जितना भी आपका प्रॉपर्टी रहेगा, बैंक बैलेंस रहेगा, कार रहेगा, जमीन रहेगा, वो तीनों बच्चों को बराबर देख के जाओगे कि एक को सब दे दोगे बाकी को रोड पे छोड़ दोगे, बराबर दोगे? क्यों? सब अपना है यार। सोचने वाला बात है, जब ये धरती का पिता अपने बच्चों में अंतर नहीं करता, सबको बराबर देता है, तो ऊपर वाला तो परम पिता है, एक के किस्मत में करोड़पति और दूसरे में करोड़पति कैसे ले सकता है? गुलाम रहता है मालिक होता है।
का मालिक आदेश करता है मौन करता है, इसके अलावा कोई नया बात बताओ? और नया नहीं पता तो इधर यार इतना सारा डायलॉग, इतना प्रॉपर्टी होता है, आदेश होता है, कुछ नहीं होता है, नौकर और मालिक में सिर्फ एक बात का अंतर होता है। आज अपनी डायरी में नोट कर देना, जो 18 घंटे काम करने के बाद भी नहीं थकता वो मालिक होता है, और जो 8 घंटे काम करने के बाद थक जाता है वो नौकर होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज सुबह तक मेरे को हर 3-3 मिनट पे खांसी आ रही थी और बहुत जबरदस्त आ रही थी, लेकिन मेरे को पता था जब मैं बोलूंगा तो मेरे को एक बार भी खांसी नहीं आएगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लगातार 1 तारीख से मेरे को खांसी आ रही थी, बात समझने की कोशिश करना। लगातार 1 तारीख से 12 बजे हम लोग निकले, रात को 2:30 बजे रांची पहुंचे।